Hello, today we are going to make a new dish, that is bread halwa, which is very famous in South India. So let's begin. हाँ, पहले तो एक कढ़ाई को हम लोग को स्टोव पे रखना है और उसके बाद उसको बहुत गर्म कर लेना है. गर्म करने के बाद एकदम गर्म हो जाएगा तब फिर हम लोग इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे ब्रेड फ्राई करने के लिए. तो अभी थोड़ा देर रुकते हैं. ये हम लोग रिफाइंड डाल रहे हैं. जैसे आप देख सकते हैं इसमें रिफाइंड बहुत ज़्यादा लगेगा. ब्रेड को एकदम डीप फ्राई करना है उसके ब्राउन होने तक. सो हम लोग ब्रेड काट लिए हैं. ब्रेड का साइज़ ये होना चाहिए. इस साइज़ के ब्रेड करेंगे तो आप अच्छा से उसको बाद में मिला सकते हैं. जो नेक्स्ट प्रोसेस है, पहले इसको फ्राई कर लेते हैं. एक बार में सारा ब्रेड डाल सकते हैं अगर आपके पास कम है, या फिर आप अगर चाहें तो ज़्यादा बड़ा कढ़ाई में ज़्यादा ब्रेड बना सकते हैं. अभी मैं थोड़ा थोड़ा बना रहा हूँ ताकि इवनली कुक होगा. ब्रेड का आपको कब हटाना है ब्रेड को फ्राई होने से, जब ये कड़ा हो जाएगा, मतलब थोड़ा हार्ड हो जाएगा और इसमें कलर अलग टाइप का आ जाएगा. जिस समय ब्रेड करा होगा उस समय आपको हटा लेना है ब्रेड को. हम लोग को ये कलर चाहिए और जब ऑयल से बाहर निकालेंगे तब ये थोड़ा करा हो जाएगा. उसको आप नैपकिन पेपर पे रखिए क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा रहेगा इसके अंदर. तेल निकलना चाहिए इसलिए हम लोग इसको अभी डाल रहे हैं और बचे हुए पीस को अब नेक्स्ट टाइम सेकेंड लॉट में डालेंगे. पूरा तेल स्क्वीज़ कर लीजिएगा क्योंकि तेल इस ब्रेड सोखता है, तो अगर आप बाहर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा तेल हो जाएगा. दूसरे लॉट में हम डाल रहे हैं रिफाइंड ऑयल में. हम डाल के इसको पूरा डीप फ्राई करेंगे सेकेंड लॉट को भी सेम टाइप से. ये देखिए अब सेकंड लॉट का भी हम लोग निकालना शुरू कर दिए और ये बहुत कड़ा हो चुका है. ये देखिए पिछला लॉट का मैं आपको दिखाता हूँ, इतना हार्ड हो चुका है. सो अब इसको ठंडे नहीं करना है और इसको गर्म में ही हम लोग को नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर देना है. सो अब ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस. अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम लोग को एक बड़ा बाउल लेना है, फिर उसमें ब्रेड क्रम्स डालना है, नॉट क्रम ब्रेड का पीसेस पूरा इसमें डाल दीजिए. और फिर उसके बाद उसमें आपको दूध डालना है. दूध थोड़ा डालिएगा, फिर थोड़ा चीनी डालिए. अब इसको आपको दूध में मिलाना है. जैसे थोड़ा गाढ़ा होगा फिर आपको दूध डालना है. अपने टेस्ट के हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं. सो ऐसे आपको मिलाते रहना है.
ऐसे इसको मिला लेना है, एकदम फाइन चॉप, एकदम फाइन पूरा मैश कर देना इसको। और इसके बाद हम लोग को इसको ठंडे करने के लिए थोड़ा देर फ्रिज में रख देना है, ताकि इसका टेस्ट और अच्छा आएगा, ठंडा होने पे टेस्ट अच्छा आता है। देखिए मैं इसको पहले ठंडा करने के लिए डाला था, अभी थोड़ा सेट हो चुका है। तो अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा काजू किशमिश डाल लेंगे, जिससे टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। काजू तोड़ के डालिएगा तो और टेस्ट अच्छा आएगा। अब ये तैयार हो चुका है, रेडी टू सर्व। देखिए कैसा लग रहा है, आप भी घर पे बनाइए। लॉकडाउन के समय में बहुत सारा चीज़ आप बना सकते हैं, इसको भी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका, टेस्ट करके देखिएगा। थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।